मंत्र योनि है। ब्रह्मा रजोगुण में, विष्णु सत्व गुण में तथा रुद्र तमोगुण में साधकों के साध्य है। अर्चनीय प्रतिमा में यथा अभिलाषित संकल्प अग्नि कार्य होम नारी दुख प्रभति अथवा सर्व कामिक लिंग में साधन करे, वह नारी चतुर्भुजा महादेव पर संस्थिता उनके दाहिने हाथ में खड़वांग तथा बाएं हाथ में कपाल के अन्य हस्तद्वय में क्रमश चक्र तथा वर मुद्रा है। दिव्य मनुष्य माला से कपाल माला शोभित है, उससे उनका अर्धांग ढका हुआ है। क्रूर दंतों को विन्यस्त करके 6 तेजो राशि पुट का विस्तार हो रहा है। क्रम से एक मंत्र पद है और उसका संपुट है शिष्ट। सुसंत होकर कर्म योग से 1,00,000 मंत्र जप करना चाहिए। तदंतर साधक यथा अभिलाषित व्रत करे। 1 मास पर्यंत बकरे के मांस युक्त गुगलु से होम करे। प्रीति पूर्वक 3 संध्या ताड़न तदंतर यह होम करे। प्रीति संध्या 1,000 होम करें तथा 1 मास पूर्ण हो जाए। इस प्रकार का मंत्र साधन समस्त कामना पूर्ण करता है। तंत्रयज्ञ साधक इस प्रकार साधन करे अथवा मंत्र यज्ञों में से श्रेष्ठ व्यक्ति साधन करे। उपयुक्त सहायक के साथ प्रसन्न अंतःकरण से नित्य युक्त सात्विक साधक साधन करे। जो वेद वर्धित होकर मोह के कारण साधन प्रारंभ करते हैं, देवताहीन कर्म उसके लिए अनिष्ट कारणी हो जाते हैं। वन में काष्ट मोनी हो अथवा समान याज्ञिक ब्राह्मण साधकों के साथ ही वार्ता करे, अन्यथा वह हीन साधक होगा, उसका सहायक भी ऐसा ही होगा। तत्व त्रष्ट योग तथा साधक साधन प्रारंभ करे। वह मननशील साधक तेजस्वी हो, जीत आत्मा तथा महेश्वर के प्रति भक्ति योग हो, ऐसा साधक पूर्ण परिणत काल में पूर्ण आयु में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे अनंत लोक मिलता है। यही मंत्र की व्यवस्था है। साधक के पृथ्वी पर किसी एक लोक में पुण्यवान व्यक्ति के ग्रह में जन्म लेकर अथवा सार्वभौम राजा के घर में जन्म लेकर विद्या सिद्ध होता है। सर्व सामान्य साधनम जिससे साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है, उन साधनों की कथा कहूंगा। यह निर्मल वेद योग्य तथा नाना सिद्धि दायिनी है। 6 मास पुरुष चरण करें तथा शाक आदि विधान द्वारा अथवा केवल जल द्वारा शोधन करें। प्रणव का ध्यान करना चाहिए। तदंतर 600,000 जप करना चाहिए। जल्दबाजी अथवा असंतुष्ट मन से जप कभी नहीं करें। मननशील साधक देह शुद्धि करके निवास का ग्रह निश्चित करें और उस ग्रह में यथा शास्त्र विधान से देव स्थापना करनी चाहिए। क्रमशः यथा विधि विधांग अरिष्ट समूह तथा अपना मंत्र परियार क्रम से 10,000 जपें। तदंतर मन में इपिस्त मंत्र को सम्यक रूप से धारण करे और यथा शास्त्र अपायत विरत तथा दीपित करें। जप के अंत में व्रत करना चाहिए। व्रत के पश्चात भी साधन किया जाता है। साध्य मंत्र के साधन के अंत में मंडल में योग करना चाहिए। सभी मंत्र के अनुसार क्रमशः विधि का वर्णन किया गया है। व्यंजन आदि का योग करने से मंत्र की असिद्धि होती है, अमेध्य युक्त होता है। अपने मंत्र के अनुसार तदोंत्र वेद को ग्रहण करें। तदंतर तंत्र यज्ञ व्यक्ति यज्ञ का साधन करें। अब विधिवत उठकर होम अंत में अग्नि कुंड का चालन करने से केवल लोक में ही सिद्धि नहीं मिलती, अपितु जो मंत्र रूपी देवता हैं, वे भी दृश्यमान होते हैं। यदि उसे शास्त्र लक्षण के अनुसार स्वरूप में देखा जाए, तब इसे मंत्र सिद्धि कहा जाता है, अन्यथा यह विनाशक है।
यह मंत्र उत्थित जागृत होकर अपने अर्थ को प्रकट कर दे, तब उसे साध्य कहते हैं, अन्यथा वह मंत्र साधक का विनाश करता है। पाताल की ओर अथवा अंतःकरण में क्रमश साधक विद्या सिद्धि के विषय में काम न करे। विद्या सिद्धि में वह कामोध घोरक प्रदम का कोई तात्पर्य है ही नहीं, जो प्रतीत होता है यही है। जो कुछ पंक्तियां लुप्त हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, वे ऐश्वर्य के साथ ही बलवान सप्तदीप के अधिपति होते हैं। सभी पार्थिव भोगों का भोग करके देह के अंत होने के पश्चात शिवलोक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सभी कामनाओं की उत्तम सिद्धि की बातें कही गई हैं। इससे आधी मिलने पर मध्यम तथा आधे से कम मिलने पर कनिष्ठ सिद्धि कही गई है। साधक एक विषय में सिद्ध होकर अन्य विषय की सिद्धि चाहने लगता है। गुगलु के योग से ध्यानी साधक सिद्ध हो जाता है, यह न होने पर वह राज्य भ्रष्ट होता है। सिद्धि से शोधित होकर नर ही देवतत्व लाभ कर लेता है। गुण योग त्रिगुण योग से असिद्ध हो जाने पर व्यक्ति जप आदि द्वारा व्रत ग्रहण कर सकता है। मंत्र द्वारा दीपित साधक तृप्त होकर सुख में सिद्धि लाभ के पद पर अग्रसर होता है। हीन व्यक्ति भी मंत्र द्वारा युक्त हो जाते हैं, फिर अन्य साधकों की तो बात ही क्या है। एक मास पर्यंत सभी कर्म में गुगुल का होम करना चाहिए। मंत्री साधक सर्वदा जप वृद्धि करते रहे। सभी कार्य में संकल्प करना आवश्यक है, संकल्प के अभाव में सिद्धि नहीं मिलती है। अतः संकल्प करके साधक मंत्र साधक साधार साधन करे। सत्यवादी धुंधों को जितने वाला दृढ़ रूप से आचरण में रत पवित्र अल्पहारी तथा वाक संयमी साधक उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। मंत्र साधक प्रमाद के कारण भी कभी शूद्र से वार्ता ना करे, अनासक्त होकर लोगों का मनोरंजन करे तथा लोगों के कामी होने पर भी स्वयं एकामुक्त निष्प्रही रहे। गुण विद्या व्रत आचरण में प्रमादी हो जाए, श्रद्धण क्रिया करें किंतु किसी की हिंसा ना करें, यह प्रमादी पद उचित नहीं लगता। इसे अप्रमादी होना चाहिए। जो इतने दिनों तक व्रत करते हैं उनके लौकिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक मास जप करने के उपरांत साध्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रसूति के घात का समर्पण करके कर्मशः लवण की आहुति देनी चाहिए। सात रात्रि आहुति देने पर साधक सभी प्राणी गण को वश में कर लेता है। घातक के प्रतिलोम तथा वर्ण द्वारा साधक को श्रृंग वेर के विष की आहुति देनी चाहिए। इससे वह सभी जंतुओं का विनाश कर सकता है। जो व्रत अनुष्ठान नहीं करते उन्हें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वह असंयमी है जो मोहवशात विधान जाने बिना आरंभ करता है, वह वनिष्ठ हो जाता है। यदि वेद कामना से मंत्र का रूप अंकित किया जाए तब पूर्वोत्तक विधान अनुसार त्रिमुखांत चतुर्भुजा का अंकन करें। अष्ट शक्ति तथा दिग्पाल का रूप सूर्य की रशिम समूह जिस प्रकार से मंत्र में समृद्ध है उसे अंकित करना चाहिए। जैसे विष्णु है उसी प्रकार से रुद्र है, पार्श्व में वीरभद्र रहते हैं। मंत्र यज्ञ व्यक्ति मंत्र में सर्वदा इसी प्रकार से योग करे। होम काल में मंत्र को जपयुक्त करने से मंत्र जप द्वारा रोगों के विनाश की यह श्रेष्ठ विधि है। साधक जब संशय पात्र हो जाए तब इस विधि का पालन करें, यथा कामना प्रयोजन साधन करें। पति श्रेष्ठ बीज है, राष्ट्र भंग अथवा विपता के समय कीवा स्थान त्याग काल में तत्वज्ञ व्यक्ति संपुट मंत्र स्थापित करे। जब तक काल भी पर्यंत न हो जाए तदंतर संहार पर्यंत करके मध्य में मंत्र योजित करें, पुनः संहार करें, मध्य में बीज से वेष्टन करें,
दर्शन वर्ण तथा बीज द्वारा अंग प्रत्यंग को योजित करना चाहिए। मंत्र